करके बोल रही हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जिंदा छोड़ दो प्लीज। राजीव परी को जंगलों में ढूंढ रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि परी कहाँ चली गई। यहाँ पर नीति मिली भी थी ना राजीव को और बोला भी था उसने कि भाई पता नहीं कहाँ चली गई परी और वो मेरी और तुम्हारी शादी कराना चाहती है। और यहाँ पर वो परी को भी कंफ्यूज कर देती है कि भाई संजू तुमसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और यहाँ पर जब परी को गुरविंदर मिलती है ना, वो परी यार से मरना ही होगा। तो पहले तो गुरविंदर के गले वाले मिलती है, लेकिन अब जब गुरविंदर का जो असली चेहरा है वो भी परी के सामने आ जाएगा। मतलब सारी चीजें अब परी के सामने आ गई है, लेकिन भाई परी अब किसी को नहीं मिल रही है। अब क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, क्या वो ताईजी राजीव तक पहुंच पाएगी, बता पाएगी नीति का सच, सारे घर वालों का सच, इवन गुरविंदर का सच। गुरविंदर ने देखा ही ना किस तरीके से यहाँ पर उसको थप्पड़ मार दिया था परी को और बोला था कि तुम्हें बेवकूफ हो तुम, संजू तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, यहाँ पर नीति है मेरी बहू, मैं तो तुम्हें कभी बहू मानती ही नहीं थी, अब नीति मेरे राजीव के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो अब मैं नीति को बहुत प्यार करती हूँ, तुझे तो बिल्कुल चाहती भी नहीं हूँ। और ये सब सुन के ना परी को बड़ा दुख हो रहा है। मतलब परी तो ये कह रही थी कि मैं तो आपको माँ समझने लगी थी, आप तो मुझे कहती थी कि आप बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ आपकी, तो आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर गुरविंदर कहती है कि भाई तेरे को ना संजू कोई प्यार व्यार नहीं करता है, सिर्फ बच्चे के लिए वो प्यार कर रहा है, और यहाँ पर वो अगर शादी भी कर रहा है ना तो वो सिर्फ बच्चा चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। और परी को ना ये सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। और जो राकेश है ना वो भी बोल रहा है कि कहाँ पर है राजीव और अभी तक क्यों नहीं आया तेरे को बचाने, अगर तुझे प्यार करता है तो ढूंढ रहा होगा ना कहीं जंगलों में। तो यहाँ पर परी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और हम आने वाले एपिसोड में ये भी देखने वाले हैं कि चारों लोग मिलकर ना उसको धक्का दे देंगे, और धक्का देंगे इतने में ना जो परी होगी वो पकड़ लेगी बीच में पहाड़ को, मतलब वो बीच में ही पहाड़ को पकड़ लेगी, और यहाँ पर राजीव आ जाएगा और राजीव देख लेगा अरे परी तो नीचे गिरी पड़ी और ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। राजीव इतने में ना रस्सी वगैरह लेने जाएगा, इतने में भाई परी गायब हो जाएगी, मतलब परी मिलेगी नहीं इन लोगों को। अब क्या दोबारा से धक्का दे दिया नीति ने, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, या यहाँ पर भाई परी की हो जाएगी मौत और यहाँ राजीव और नीति की दोबारा शादी हो जाएगी। आप वैसे आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, यहाँ पर राजीव और नीति की शादी हो जाएगी या फिर परी आ जाएगी दोबारा से लौट कर।